हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर स्लीव बनाना सीखेंगे। आप इसे सूट या ब्लाउज किसी में भी बना सकते हैं। यह बहुत ही यूनिक डिजाइन है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी लंबाई रखी है 12 इंच और एक साइड से इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। अब मोहरी के साइड से इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 5.5 इंच। 1 से 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए रखेंगे और ऊपर से मैंने 4 इंच का डाउन रखा है। अब देखिए, 1.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, यह हमारा फिटिंग का निशान होगा। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इसकी ड्राफ्टिंग पहले से ही कर लिया था। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ थोड़ा कट लगा देंगे और आर्म होल के साइड भी इस तरह से कट लगा देंगे। अब सेंटर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, पूरे में इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, यह इस तरह दिखेगा। अब कंट्रास्ट कलर में मैंने स्क्वायर शेप का कपड़ा लिया है जिसकी मेजरमेंट है 2 इंच। देखिए, इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। अब उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। अब दूसरी बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से सिल लेंगे। सेम इसी तरह हम बाकी कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी सिल लेंगे। तो कम से कम 8 से 10 पीस इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे समोसा डिज़ाइन का ये पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। इसको हम साइड रखेंगे। अब स्लीव के एक साइड को लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और सिलते जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन लग के तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव के दूसरे साइड को लेंगे, उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से अब इसको हम पलट करके इसके ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे। इससे यह अच्छे से फिनिशिंग में आ जाएगी। तो देखिए, यह कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी मोरी के साइड डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 6 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। डबल में ये होगा 38 इंच। देखिए, ये डबल फोल्ड है तो ये 38 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये 2 फोल्ड का 4 फोल्ड किया है। अब इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से 3.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए, ये 3.5 इंच है। अब जो हमने मार्किंग किया था उसको नीचे के कॉर्नर से इस तरह मिलाएंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यह इस तरह दिखेगा। तो देखिए, इसको बनाना कितना आसान था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में पीछे जाकर भी देख सकते हो। अब कंट्रास्ट कलर में मैंने ये दूसरा कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है 6.5 इंच और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 19 इंच। सिंगल करेंगे तो ये 38 इंच हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इसको बिछा लेंगे और जो हमने पहले कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। यह सिलाई हमारी कच्ची सिलाई होगी, इसको हम बाद में निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम पक्की सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी डिज़ाइन सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए
ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमने जो कच्ची सिलाई करी थी उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर के हिस्से में जो हमने कच्ची सिलाई करी थी उसको निकाल लेंगे। अब बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। देखिए सभी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और इसके किनारे किनारे कट्स लगा देंगे। ध्यान रहे सिलाई धागा कटना नहीं चाहिए। तो देखिए कट करने के बाद इस तरह से इसको पलट देंगे। देखिए एक एक करके सभी को हम पलटते जाएंगे इस तरह से। और इसके कॉर्नर को अच्छे से निकालने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी नुकीली चीज लेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से सभी कॉर्नर को निकालने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को उठाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक इंच हम कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे कि हम स्कर्ट बनाने के लिए बॉक्स वाली प्लीट्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको बॉक्स प्लीट्स जैसे बनानी है और सिलाई लगाते जानी है। इसी तरह से हम प्लीट्स बनाते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यह डिजाइन बनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है, आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने ये डिजाइन बनाया है उसी तरीके से सेम स्टेप बाय स्टेप आप भी बनाते हैं तो आपसे भी ये डिजाइन बहुत अच्छे से बनेगा और इसका लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो देखिए यह डिजाइन इस तरह दिखेगा। अब हम स्लीव को लेंगे और उसको इस तरह बिछा करके जो हमने डिजाइन बनाई थी उसको इस तरह से उल्टा करेंगे और स्लीव के ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अब 1 से 1.5 इंच का ये हम पट्टी लेंगे, उसको इस तरह से रख करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे किनारे। देखिए इस तरह से इसको अटैच करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पट्टी लगने के बाद ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी टोटल लंबाई हुई है हमारी 17.5 इंच की। तो ये 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन चला जाएगा तो ये 17 इंच का हो जाएगा हमारी स्लीव की टोटल लंबाई। तो आज का यह डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।